नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज है 9 तारीख और 9 तारीख को मेले में थोड़ा सा सेल परचेज का काम हुआ मेले में, और पंजाब से भी बहुत सारे लोग मेले में आए हुए हैं। बाकी का आप ये देख सकते हैं, ये मेरे हिसाब से सिंधी हैं और आज मैं जिस तरफ हूँ उधर वो सिंधी का मार्केट ज़्यादा है। बाकी मैं आपको और दिखाता हूँ, बाकी सिंधी घोड़े भी मार्केट में बहुत आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मारवाड़ी घोड़े बहुत कम आए हैं और कुछ लोगों ने मारवाड़ी घोड़े ख़रीदे भी हैं। मारवाड़ी घोड़े हैं पर वो थोड़े से कम रेट के हैं और मीडियम हैं, यानी कि ज़्यादा उनमें सही भी नहीं है तो ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। बाकी ये देख सकते हो, ये उस मैदान का नज़ारा है जहाँ पर शाम को के टाइम में रेस वगैरह होती है। बाकी यहाँ आने के लिए कोई भी आपको कोविड की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि बहुत सारे लोग वीडियो में पूछ रहे थे कि सर कोविड की रिपोर्ट चाहिए या नहीं, तो कोई भी कोविड की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मेले में आप आ सकते हैं। और देखो शाम को लोग यहाँ पर गाड़ियों पर भी चढ़ चढ़ के घोड़ों की दौड़ का मज़ा ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सब सामने पंजाब के लोग हैं। दोस्तों मेले में काठियावाड़ी घोड़े भी बहुत कम हैं, सबसे ज़्यादा है सिंधी घोड़े जो आप देख रहे हो। जिधर देखोगे आपकी निगाह जिधर जाएगी उधर सिंधी ही घोड़े हैं, और इधर पता नहीं क्या सौदा चल रहा है। क्या सौदा हो गया? बिग्गे घोड़ी कितने में बिकी बाबा? घोड़ी घोड़ी है क्या? घोड़ी है, घोड़ा है, कितने में बिका? बिक गया एक दो तीन चार पाँच छह। ये लगाम बेची क्या आपने? हाँ लगाम। कितने की एक लगाम? ये लगाम जैसी लो ऐसी है, जैसी लो ऐसी। पर ये बहुत पहनी लगाम है, घोड़े के बहुत नुकसान पहुंचाती होगी ना? कौन सी? ये वाली है, नुकसान नहीं पहुंचाती। कांटे वाली लगाम है ना अपने लिए। जैसा आपको पता है जुर्म है ये लगाम बेचना। तो बेचेंगे नहीं साहब? नहीं बेचो, पर इतनी भी पैनी मत बेचो कि घोड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जावे। ये आप देख सकते हो यहाँ पर सारी दुकानें जो भी लगी हुई है वो सामानों की लगी हुई है।
ये सारी सब सामानों की दुकानें हैं। इधर भी सब सिंधी घोड़े हैं, और आप काठी वगैरह और घोड़े का कोई भी सामान लेना चाहे तो ले सकते हैं। बाकी इस मेले में गर्मी बहुत पड़ रही है, जो भी लोग आए तो कोशिश करें अपने साथ में रूमाल वगैरह या टोपी वगैरह लेके आए, क्योंकि गर्मी बहुत है। आने से पहले फ़ोटो खींच लें और जाने के बाद फ़ोटो खींच लें, समझ में आ जाएगा कितनी गर्मी है। देखो इधर भी सारी घोड़े की दुकानें, घोड़े की दुकानें बहुत लगी हुई हैं, यहाँ पर आपको घोड़ों का ऊँट का सारा सामान मिल जाएगा। बाकी दोस्तों दिखाने को तो बहुत बड़ा मेला है, पूरा मेला दिखाने में मेरे को लगता है कि शायद 1-1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। बाकी मेला जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से लगता है कि 15-20 तारीख तक मेला चलने की उम्मीद है। बाकी जैसा कि मैंने आप पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मारवाड़ी घोड़े बहुत कम हैं, अगर आप सिंधी ख़रीदना चाहते हैं तो इस मेले में आ सकते हैं बिल्कुल, और आप अगर घूमने के हिसाब से भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ये मेला बलोत्रा से 18 किलोमीटर पड़ता है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे वीडियो में कि मेला कहाँ पे पड़ता है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बलोत्रा से ये मेला 18 किलोमीटर एक तिलवाड़ा करके जगह है, वहाँ पर पड़ता है। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में।